जूम इसको देखो। राखी सावंत कैद हुई एक पिंजरे में। राखी ने ये कदम उठाया सर्कस के जानवरों को बचाने के लिए, एक एनजीओ के लिए। जब राखी टिग्रेस बनकर एक पिंजरे में उतरी तो ये हसीन कलाकार एक शेरनी से भी ज्यादा खूंखार दिख रही थी। एक ऐसी दहाड़ जो सबका दिल दहला दे। पिंजरे में कैद ये शेरनी है राखी सावंत, और राखी का मकसद अब किसी को डराना नहीं बल्कि सर्कस के जानवरों को बचाने का संदेश देना है। सर्कस के जानवरों को बाहर निकालना ही है, और पेटा जो है वो उनका वही काम है। वो अपने रेस्टिक्यूज जो है फार्म, वो वहाँ पे लेके जाते हैं, उनको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट उनकी करते हैं। राखी सावंत को माना जाता है बिंदास। ऊप्स, ये हमने क्या कह दिया, बिंदास ना कहा जाए, राखी सावंत को शेरनी कहा जाए। राखी सावंत और शेरनी में है काफी समानताएं। जहां शेरनी की दहाड़ जंगल को हिला देती है, वहीं राखी की दहाड़ पूरे बॉलीवुड को। और राखी भी मानती है खुद को शेरनी की तरह खूंखार। मैं बिल्कुल अपने आप को एकदम खूंखारी मानती हूं, बिकॉज इंसान के स्किन में एक शेरनी के जो भी इमोशंस हैं वो सारे मुझ में हैं। जहां राखी बॉडी पेंट करके थी पिंजरे में कैद, वहीं खुलेआम उनके कोरियोग्राफर राखी से फीस ना मिलने की वजह से मचा रहे थे बवाल। लेकिन बात को कैसे घुमाया जाता है ये पैतरा दूसरे स्टार्स की तरह राखी ने भी सीख लिया है। आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट सर्कस, जस्ट आस्क फ्यू क्वेश्चन, जिस बारे में जिसमें जो बनी हूँ, ऐसी यहाँ वहाँ की बातें ना की जाए। राखी तो खूब जानती है बातें बनाना, लेकिन उनकी कातिल अदाओं पे फिदा है उनके फैंस। बस अब देखना ये है कि उनके फैंस के अलावा बाकी लोगों को राखी का ये नया अवतार सीख देता है या डराता है। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम मुंबई। रिया सेन चली मुंबई फैशन वीक में रैंप पर दूसरे दिन। रिया को बॉलीवुड में अपना लोहा मनवाने में अभी थोड़ी देर है, मगर मीडिया से लोहा लेने के लिए लगता है वो है पूरी तरह तैयार। यहाँ उन्होंने दिखाई मीडिया को नाराजगी, मगर दूसरी तरफ कुछ दूसरे डिजाइनर्स के काम ने किया सबको काफी इम्प्रेस। रिया सेन का लगाव सारी जैसे इंडियन वेयर की तरफ, ये बात कुछ हजम नहीं हुई, क्योंकि वो हमेशा से ही अपने बोल्ड स्टाइल के लिए जानी जाती है। लेकिन लैक्मे फैशन वीक के दूसरे दिन डिजाइनर अभिषेक दत्ता के लिए उन्होंने साड़ी ही पसंद की। अगर ये काफी नहीं था तो उन्होंने पूरी तरह अपने तेवर दिखाए। पहले तो मीडिया से बात तक करने को तैयार नहीं हुई, लेकिन जब मान गई तो मुंह से निकले सिर्फ कुछ ही शब्द। I'm amazed with the kind of detailing, the work that has gone into it, because usually when you wear a sari or you wear a western outfit for that matter, it's always it looks good, but you know no one really looks into the detailing or works on the detailing, and I think the effort that he's put into it is absolutely beautiful. रिया के स्टारी एटीट्यूड ने एक तरफ सबको किया परेशान, तो दूसरी तरफ डिजाइनर नरेंद्र कुमार अहमद ने सबको दिया प्लेजेंट सरप्राइज अपने ही शो पर रैंप वॉक करके। वैसे रैंप पर बॉलीवुड की कमी पूरी करने का ये अच्छा तरीका रहा, लेकिन नरेंद्र के लिए ये वजह नहीं थी रैंप पर उतरने की। रैंप पे चलना सजेशन हमने किया था कि चले, क्योंकि दिखाना था कि यू नो इट्स रियली द क्लोथ्स दैट आर द सिंपल मोस्ट सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यू नो आजकल मैं सोचता हूँ कि ये सेलिब्रिटी और एरो और शो स्टॉपर के पीछे इतना सारा टाइम और मीडिया स्पेस जाता है कि डिज़ाइनर जो मेहनत करते हैं उनका कोई उनके कपड़े के बारे में कोई सोचते नहीं है। फैशन वीक के पहले दिन पेज 3 आइट थे मिसिंग, लेकिन नरेंद्र के शो को उन सब ने किया हाउसफुल। मगर इन सब के लिए फ्रंट रो में बैठने का मतलब गारंटीड सेलेब स्टेटस नहीं। I'm also a model, so I have seen this thing from the back, from the front. Front row does have its options, but it's okay. Show starring. It's okay, just need to be able to see the clothes properly, that's all. जहाँ भी सीट मिल जाए वहाँ बैठ जाते, और कोई ऐसी खास जरूरत नहीं है कि फ्रंट रो में बैठना चाहिए तो आप फैशनेबल हो जाए। मैं पहले रो पे बैठूँ या फोर्थ रो पे, मेरा नाम और मेरा स्टेटस कुछ बदलने वाला तो है नहीं। So you have to be confident in yourself, that's what matters. एक तरफ ये मॉडेस्टी तो दूसरी तरफ एटीट्यूड। अब कम से कम नेक्स्ट जनरेशन के सोशलाइट्स को इन सेलेब्स से सीख लेना चाहिए कि बड़े बड़े काम करके भी लो प्रोफाइल कैसे रखा जाता है। रोमा श्रीवास्तव, जूम मुंबई।
नीना गुप्ता, होमी अराजानिया, अनुराग कश्यप, मधुर भंडारकर सभी आए एक साथ शुरू करने एक नया फिल्म एसोसिएशन, इंडियन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स वर्ल्ड वाइड, जो है स्टूडियो जायंट्स के इस दौर में इंडिपेंडेंट सिनेमा को जगह दिलाने की एक कोशिश। होमी अराजानिया की बिंग साइरस, अनुराग कश्यप की ब्लैक फ्राइडे या मधुर भंडारकर की ट्रैफिक सिग्नल, ये सभी फिल्म आजकल बन रहे हैं पॉपुलर फिल्म देखने वालों के बीच। मगर इन फिल्म को हम तक पहुंचाने के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को करनी पड़ती है बहुत मेहनत, और इसीलिए अब शुरू हुई है एक नई कहानी, इंडियन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स वर्ल्ड वाइड का एक नया एसोसिएशन। बहुत से ऐसे यंग फिल्म मेकर्स हैं और नॉट सो यंग फिल्म मेकर्स हैं जो अपनी तरीके से अपनी फिल्में बनाना चाहते हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन उन सबको मदद करने के लिए, नेटवर्क करने के लिए, एक दूसरे के अनुभवों से, एक्सपीरियंसेस से सीखने के लिए बनी गई है। फिल्म बनाने में दो तीन बहुत मुश्किल चीज़ें होती है। पहली चीज़ पैसा, फिल्म बनाने के लिए पैसा ढूंढना, पैसा मिल जाए तो फिर कास्ट क्रू इकट्ठा करना, वो भी मिल जाए तो फिर उसके बाद उसको रिलीज़ करना। जब आदमी नया होता है उनको लोगों के बारे में पता नहीं होता, तो ये सब चीज़ें फिल्म बनाने का प्रोसेस थोड़ा आसान करती हैं, जल्दी करती हैं। इट्स मोर टू डू विद people who want to actually embark into the film industry, who don't have a stepping stone to get in. Jo naye independent filmmakers aa rahe hain wo existing independent filmmakers jaise Ketan saab hain, jaise Sudhir Mishra saab hain, unse unko milne ka mauka milega, unki ideas experiences share karne ka mauka milega. Mere khayal se ye itne logo ko encourage karega, naye naye filmmaker ke bhi naye naye thoughts, naye naye ideas hai, aur kahin aisi cheeze hai, distribution ki baat ho, टेक्निकल चीज़ की बात हो, तो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर की जो बॉडी है वो उसको सपोर्ट करेगा। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कदम है, इसके आगे क्या इसका नतीजा निकलेगा वो तो अभी कह नहीं सकते हैं, लेकिन शुरुआत बहुत अच्छी है। दिन पर दिन स्टूडियोज का साइज होता जा रहा है बड़ा, और स्मॉल इंडिपेंडेंट सिनेमा के लिए सर्वाइव करना मुश्किल लग रहा है, जैसे स्टूडियो जॉइंट्स और इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के बीच छिड़ी है ऐसी एक जंग। ये वॉर नहीं है, ये एक स्ट्रगल है कोएग्जिस्ट करने के। क्या है कि आप हैं, आपको मुबारक है, हम भी हैं, हमको भी मुबारक होना चाहिए। इट्स जस्ट अ फोरम टू इनकरेज पीपल हु डोंट हैव एक्सेस टू बिग स्टूडियोज। आज की तारीख में हर पिक्चर जो होती है वो सबके लिए जगह है, इतने मल्टीप्लेक्स बने, इतने थिएटर्स हैं हमारे देश में। जो चीज़ चल रही है उसकी अपनी जगह है, इसकी अपनी जगह है, मेरी एक अपनी जगह है, ऐश्वर्या राय की भी एक अपनी जगह है। उम्मीद है कि ये कोशिश एक नई जान फूंक देगी छोटी मीनिंगफुल सिनेमा में, क्योंकि हर तरह का सिनेमा मिलकर ही तो बनता है बॉलीवुड। संध्या लाल, जूम, मुंबई। राखी सावंत का क्या कहना, वो हाल ही में बनी सिंगर, और खबर है कि उनकी नई एल्बम के लिए उन्होंने फीस नहीं दी इसके कोरियोग्राफर्स को। खबर मिली है कि इन कोरियोग्राफर्स को ना सिर्फ पैसे नहीं मिले बल्कि इस एल्बम के लिए क्रेडिट भी नहीं मिला। अब ये बात कितनी सच्ची है ये तो नहीं मालूम, मगर हमें उम्मीद है सुपर गर्ल राखी ऐसी हरकतें नहीं कर सकती।